माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। आप यहाँ आए हुए स्नान का कर चुके कि अभी नहीं, करने वाले करना 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 स्नान आपके अंदर कुछ इच्छाएं होंगी जिससे अभी आप नारा लगा रहे थे, मैं वहाँ से चला आया। मंदिर बनाएंगे, बिल्कुल 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 वही बनाएंगे। छत्रसाल की नगरी छतरपुर से आए हैं महाराज, छत्रसाल की जय। और हमारे अंदर बहुत उत्साह है भाई युवाओं में, और हम लोग यहाँ पर पहला जो शाही स्नान है उसमें डुबकी लगाने के लिए आए हैं, और हम चाहते हैं कि पूरे देश से पूरी बस लेके आए हैं, हम लोग पूरे देश से लेके आए, पूरे देश से लोग आए, और यहाँ पर इस महाकुंभ में आकर दर्शन करें गंगा मैया के, और इसका लाभ लें, और हमारे सारे देशवासियों से और पूरे संसार में जितने भी हमारी संस्कृति और हमारे हिंदू हैं वो सारे आए यहाँ पर और इस गंगा मैया में स्नान करके आशीर्वाद लें माता का, और ऐसा कुंभ में नहाने वालों को उनका सब कुछ ताली आता है। मैम आप भी छतरपुर से आए हैं साथ में, तो क्या विचारधारा है, किस विचार से यहाँ आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं, कुंभ आपके लिए क्यों खास है? हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है, हम हिंदुओं की एक स्थान है, हम जो हमारे संत महात्मा है वो इसको सबसे ज्यादा बड़ा त्योहार मानते हैं, हम सबसे बड़ी त्योहार मानते हैं उसको, और इसलिए हमने 12 साल बाद पहली बार पढ़ रहा है, इसलिए हमारे योगी सरकार ने जो यहाँ व्यवस्था की है और जो बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जो यहाँ की व्यवस्थाओं में देख रेख की है जो अभी तक किसी ने नहीं की है, ऊपर से हमारे बताइए कौन योगी नाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कौन लोग पहले पहले कांग्रेस के राज में भी आप आ चुके हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस बार आने में जो श्रद्धा भाव पैदा हुआ है हमारे अंदर, और जो भावना आई है ना कि मतलब किस श्रद्धा से हम यहाँ आए हैं और नहा रहे हैं, जो भावना हम पैदा हो रही है आज वो पहले कभी नहीं हुई। तो यानी कि सरकार हमारे अंदर हमारे धर्म को लेकर भावनाएं भी उत्पन्न कर रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। राज बहुत ज्यादा मतलब आगे बढ़ाने के लिए और ट्रैफिक नहीं है, सभी गाड़ियों को बाहर रोक दिया गया है और अंदर यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार जिंदाबाद, और जो हिंदुओं के लिए जो काम किया योगी सरकार ने बहुत सराहनीय है, और हम 10 में से 10 नंबर देंगे योगी सरकार। हम लोग सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत अच्छा काम है यहाँ पर, बहुत बढ़िया सुरक्षा के इंतजाम। इसी बीच एक सवाल पॉलिटिक्स से, अभी मौजूदा गठबंधन हो गया सपा और बसपा में, तो गठबंधन को लेकर आपका क्या कहना है? देश का क्या कर दिया, ऐसे गठबंधन क्या काम का,
जो दुश्मन दुश्मन एक होगा कैसे होगा, मोदी का सर है, मोदी का सर है। सिर्फ राजनीति करने अलावा कुछ आता ही नहीं है। एक ईमानदार साल में सब कुछ नहीं कर पाए, क्या करेंगे गठबंधन करके, कुछ होना तो है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का पूरा डेवलपमेंट देखा था, उतना आप किसी की सरकार में देखे होंगे, चाहे आप किसी भी अंदाजा लगा सकते हैं। एक ही बात कहना, मौजूदा स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है 2019 में होने वाले चुनाव में पहले जो सरकारें थी वो आपस में एक दूसरे की बुराई करती थी कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अब जब दोनों ही मतलब गलत काम करते थे, गलत काम करने वाले मिल गए हैं, तब और गलत काम बढ़ेंगे। पहले कितना एनकाउंटर होता था, अब कितना एनकाउंटर हो रहा है, सभी महिलाओं के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टॉल लगाए गए हैं, मतलब खासकर डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है यहाँ का। स्वच्छता स्वच्छता पे इतना जोर दिया, स्वच्छ भारत अभियान सफल हुआ है। सर युवा वर्ग ना इतना उत्साहित है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, और पूरे जोर शोर के साथ सरकार बनाएंगे, फिर से लाएंगे योगी, फिर से योगी, फिर से मोदी, पूर्ण बहुमत से आएगी। पूरे प्रयागराज का परिवर्तन अगर किसी ने किया तो योगी आदित्यनाथ योगी ने, अखिलेश ने किया, नहीं किसी ने सोचा था, नहीं कर रहे।